दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सावधान, अनजान वीडियो कॉल न करें रिसीव वरना आप भी हो सकते हैं हनी ट्रैप के शिकार। अनजान नंबर से आया वीडियो कॉल आपको हनी ट्रैप का शिकार बना सकता है। साइबर अपराधी इन दिनों लड़कियों से व्हाट्सएप कॉल कराकर वीडियो बनाने के बाद लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके लिए मैसेंजर और व्हाट्सएप कॉल का प्रयोग किया जा रहा है। जमशेदपुर स्थित साइबर थाना बिष्टपुर में हर दिन 2-3 महीने में ऐसे मामले सामने आते हैं। लोग लाज के कारण कई लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं और रुपए देकर पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप, फेसबुक आईडी हैक कर ऑनलाइन ठगी के बाद साइबर अपराधियों ने हनी ट्रैप का जाल बुना है। पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर करते हैं दोस्ती, फिर भेजते हैं अश्लील वीडियो। लड़कियां पहले फर्जी सोशल अकाउंट बनाकर युवकों को जाल में फंसाती है। कुछ देर चैट करने के बाद व्हाट्सएप नंबर मांगा जाता है। इसके बाद कॉल पर महिला एवं युवती अश्लील हरकत भी करती है। इसकी वीडियो बनाकर परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूल करने का प्रयास किया जाता है। अश्लील वीडियो कॉल से ठगी के शिकार बनने वाले में हर उम्र के लोग शामिल है, इसमें अधेड़ भी है। इन बातों का रखें ख्याल। अनजान नंबर से आया वीडियो कॉल रिसीव न करें। सोशल मीडिया पर अश्लील चैट न करें, फोटो शेयर न करें। व्हाट्सएप प्राइवेसी में अपना अकाउंट सिर्फ कॉन्टैक्ट करके रखें। फेसबुक पर आने वाले लाइव चैट का विज्ञापन सतर्क रहें। ऐसी घटना हो जाती है तो तत्काल पुलिस की सहायता लें। साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.government.in पर शिकायत आप कर सकते हैं। इस संबंध में साइबर थाना प्रभारी उपेंद्र मंडल ने कहा कि अश्लील वीडियो चैट कर आए दिन किसी न किसी को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया को अपराध का अड्डा बना रखा है, इससे वह मोटी कमाई कर रहे हैं। इसमें जागरूकता व सतर्कता लाना बहुत जरूरी है। हाईवे पर चालक को बंधक बना छीना ट्राला, पेड़ से बांध कर हुआ फरार। बावल रोहतक हाईवे नंबर 352 पर बदमाशों ने एक चालक को बंधक बनाकर ट्राला छीन लिया। बदमाश चालक को गांव बुड़ेली के निकट एक पेड़ से बांध कर फरार हो गए। बदमाशों ने चालक के साथ मारपीट भी की। ट्राला मालिक की शिकायत पर रोहिटाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में जिला झज्जर गांव के जहांगीरपुर के रहने वाले स्वतंत्र सिंह ने कहा कि उनके पास एक ट्राला था। ट्राला पर उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के गांव जगीराबाद का रहने वाला मोहित उर्फ दानवीर चालक था। चालक ट्राला लेकर रोडी लेने नारकोल जा रहा था। रोहडाई मोड़ के निकट रात को वह एक ढाबा पर खाना खाने के लिए रुका था। खाना खाने के बाद वो चालक को ट्राला को ढाबा के निकट खड़ा कर दिया और केबिन में ही सो गया। रात को बदमाश ट्राला की केबिन में घुस गए और मोहित को बंधक बना लिया। बदमाशों ने चालक के रस्सी से हाथ पैर बांध ट्राला में अपनी साथ डाल दिया। इसके बाद बदमाश चालक को बुड़ेली के निकट ले गए और वहां ट्राला में लगा जीपीएस उखाड़ कर फेंक दिया। बदमाशों ने चालक के साथ मारपीट की और गांव बुड़ेली के पास एक पेड़ से बांध कर फरार हो गए। बदमाश के जाने के बाद चालक ने खुद को किसी तरह से बंधन मुक्त कराया और राहगीर के मोबाइल से सुरेंद्र सिंह को घटना की सूचना दी। सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर रोहडाई थाना पुलिस ने बदमाशों के विरुद्ध लूट का मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू की गई। एडवांस में मजदूरी का झांसा, पेंटर से की 1.150 लाख की धोखाधड़ी। बिलासपुर मकान में पोताई करने वाले को काम दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने 1,50,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली है। पेंटर ने यह रकम अपने दोस्त के अकाउंट में डलवाया था। अब रुपए वापस मांगने पर उन्हें धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कोली क्षेत्र के ग्राम पोसारा में रहने वाले संदीप भार्गव मकान में पोताई का काम करते हैं। उनके मोबाइल पर 15 मार्च को अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने उन्हें काम का दिलाने का बात कही, साथ ही मजदूरी की रकम एडवांस में पेमेंट करने के लिए खाता नंबर भी मांगा। इस पर अमित ने किसी प्रकार के ऑनलाइन लेनदेन नहीं करने की बात करते हुए अपने दोस्त गोपाल भार्गव का नंबर दिया। जालसाज ने गोपाल भार्गव को अपने खाते में 1 रुपए डालने को कहा। इस पर गोपाल ने 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया।
इसके कुछ ही देर बाद जालसाजों ने उनके मोबाइल पर 2 रुपए भेजे। इसे कंफर्म करने पर जालसाजों ने एडवांस की रकम देने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। रुपए मिलते ही काम का एडवांस देने की बात कही। जालसाजों के झांसे में आए अमित और गोपाल ने उनके कहे अनुसार 4 बार में 1,50,000 रुपए भेज दिए। धोखाधड़ी होने की आशंका पर प्रिंटर ने अपने रुपए वापस मांगे तो 50,000 रुपए देने पर पूरी रकम वापस करने की बात करने लगे। दबाव डालने पर दोनों को धमकियां दे रहे थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोनी थाने में की। इस पर पुलिस जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।